ईश्वर पर आस्था हो और ह्यूमन यानी मानवतावादी दयालु व्यक्ति होने के बावजूद भी यदि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी पाइसेस यानी कि मीन राशि के लोगों को, मीन लग्न के लोगों को नौकरी मिलने में समस्या आ रही हो या फिर जिस जॉब को वो कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाए तो किसी अन्य जॉब की तलाश शुरू होना स्वाभाविक ही हो जाता है। और मीन लग्न के लोगों को अपनी सिक्योरिटी की चिंता भी ज़्यादा ही होती है, और क्यों ना हो, होना भी चाहिए। ऐसे में अपनी जन्म कुंडली से कैसे जाने कि क्या ये समय मेरे लिए नई जॉब में स्विच करने के लिए या फिर कोई सी नई नौकरी को प्राप्त करने के लिए अच्छा समय है या फिर नहीं। जिनको अनेक परेशानियां देखनी पड़ रही हैं उनके लिए ऐसे सवाल उत्पन्न होना लाजमी ही है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब देखेंगे एक मीन लग्न के बर्थ चार्ट के माध्यम से। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश के सर्वानी आप सभी का अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने सभी गुरुओं को सादर नमन करता हूँ, उनका आशीर्वाद हम पर यूं ही बना रहे ऐसी कामना करता हूँ। आप सभी दर्शकों का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले एक एक सब्सक्राइबर को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, आपके चैनल सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से और वीडियो को शेयर करने से ही हमारा मनोबल बढ़ता है, इसलिए आप सभी सब्सक्राइबर को पुनः एक बार फिर से धन्यवाद। मित्रों, मीन लग्न का बर्थ चार्ट है ये। चार्ट की डिटेल मैं अभी बता दूंगा, लेकिन उसके पहले मीन लग्न की कुछ खास विशेषताओं को समझ लेते हैं। पहले, अत्यंत दयालु व्यक्ति जिनकी प्रवृत्ति धार्मिक होती है, घूमने के फिरने के शौकीन होते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस में यदि जाने की बात हो तो आहा, इनके रोम रोम में खुशी झलकने लगती है। पौराणिक जगहों पे घूमने के फिरने के शौकीन तो ये होते ही होते हैं, वहाँ इन्हें एक सुकून भी मिलता है, वहाँ पर इनको एक अलग तरीके का आनंद भी मिलता है। किंतु सेंसिटिव होने की वजह से, संवेदनशील होने की वजह से इनमें आत्मविश्वास की थोड़ी कमी जरूर दिखती है, विल पावर इनकी कमजोर होती है। दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, इसलिए इस लग्न के व्यक्ति ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। मित्रों, यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं मीन लग्न के पाइसेस साइन के विषय में तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इनकी बारे में ढेर सारी जानकारी जरूर देख सकते हैं। मित्रों, इन सभी खूबियों के साथ आइए आज हम नाड़ी सिस्टम से हम इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं कि यदि आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है फिर भी नौकरी नहीं मिल रही तो उसमें जो आपका आने वाला अच्छा समय है उसे कैसे देखें। यदि अपनी रचनात्मक सोच का टाइम देखना चाहते हैं तो उसमें गुड पीरियड आपका जो आने वाला है उसे इस बर्थ चार्ट के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। आपका अपना भाग्य कब उदय होगा, कैसे देखें अपने कुंडली में, वो भी घर बैठे बैठे। तो यदि आपने अभी तक अपना बर्थ चार्ट नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए और देखिए इस सिस्टम को और उसमें मिलान करिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। एक बार कुंडली की डिटेल्स, पाइसेस मीन लग्न की कुंडली है। यदि लग्न में ही मून हो या फिर जहां भी 12 नंबर लिखा हो वहीं पर पूरे बर्थ चार्ट में वहीं पर अगर चंद्रमा बैठा हो तो आप पाइसेस साइन के व्यक्ति हैं। तो इसमें जो है आप कंफ्यूज मत होइए, मैं यहाँ मून हटा देता हूँ क्योंकि मून यहाँ पर नहीं है, मून हमारे आठवें भाव में है। तो एक बार कुंडली, लग्न की डिग्री है 11 डिग्री 18 मिनट, मंगल बैठे हैं पांचवें भाव में 7 डिग्री 27 मिनट के, राहु बैठे हैं पांचवें भाव में 7 डिग्री 24 मिनट के, सूर्य बैठे हैं छठे भाव में 17 डिग्री 28 मिनट के, जबकि
बुध ग्रह बैठे हैं 7 डिग्री 28 मिनट के सातवें भाव में, और सातवें भाव में ही 18 डिग्री 41 मिनट के गुरु ग्रह बैठे हैं। शुक्र बैठे हैं 25 डिग्री 29 मिनट के, शनि बैठे हैं 15 डिग्री 26 मिनट के, और प्लूटो यहीं पर बैठे हैं 29 डिग्री 7 मिनट यानी 7 मिनट के। चंद्रमा 14 डिग्री 57 मिनट के आठवें भाव में, यूरेनस और नेपच्यून 9वें भाव में बैठे हैं, केतु 7 डिग्री 24 मिनट के 11वें भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं वो प्लैनेट, वो रखते हैं हमारे मार्स, उसके बाद सन, क्योंकि हम जॉब की बात कर रहे हैं इसलिए हमें छठा भाव ज़रूर देखना है, और छठा भाव इस बर्थ चार्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण है और अपनी इम्पोर्टेंस तो रखता ही रखता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य अपनी ही स्वराशि में होकर के बैठे हैं इसलिए यहाँ पर सूर्य की स्थिति को ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर दसवें भाव की बात करें तो यहाँ पर गुरु ग्रह आते हैं, और यदि ग्यारहवें भाव की बात करें तो ग्यारहवें भाव में हमारे ग्यारहवें भाव के लॉर्ड सैटर्न आते हैं। तो इन भावों के हमें जो स्वामी देखने हैं उनकी स्थिति ज़रूर देख लें। यहाँ पर एक और मुख्य बात है कि इसमें जो सातवां भाव है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको एकदम नाड़ी सिस्टम के अकॉर्डिंग बहुत ही शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप बहुत ही आसानी से आप अपने बर्थ चार्ट में इसे देख सकते हैं। इन प्लैनेट की पोजीशन आपके अपने बर्थ चार्ट में कहां पर है इसे ज़रूर देख लें। इसके बाद नाड़ी सिस्टम का जो हमारा रूल होता है वो रूल नंबर 1, हम डैब का प्रयोग करते हैं, यानी दशा, अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा, तो इसका प्रयोग हम ज़रूर करेंगे। और यहां पर हमने जो स्क्रिप्ट बनाई है उसमें दशा शनि की है, अंतर दशा मंगल की है, और प्रत्यंतर दशा की बात करें तो राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो एक बार इनकी स्थिति को देख लें, शनि बैठे हैं चंद्रमा के नक्षत्र में और गुरु के उप नक्षत्र में शनि की पोजीशन है, क्योंकि शनि की जो हमारी डिग्री है वो 15 डिग्री 26 मिनट की है। तो अब अगर हम मंगल की बात करें तो पाँचवें भाव में बैठे हैं मंगल, और शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 डिग्री 27 मिनट का इनका जो इस डिग्री है वो आ रही है, तो यहाँ पर आपके शनि का नक्षत्र आएगा और केतु के उप नक्षत्र में बैठे हैं मंगल ग्रह। राहु की बात करें तो राहु भी पांचवें भाव में ही बैठे हैं, शनि के ही नक्षत्र में बैठे हैं और केतु के ही उप नक्षत्र में बैठे हैं, तो इन दोनों का बहुत ही क्लोज कंजंक्शन है, इसे ज़रूर ध्यान दें। इसके बाद यदि हम इसमें रूल नंबर 2 लगाते हैं तो यहाँ पर हमने जो देखना है कि हमारा दूसरा, छठा, दसवां और ग्यारहवां भाव हमें कितना स्ट्रेंथ दे रहा है इस पूरे बर्थ चार्ट में। तो इसमें हम यदि इसकी स्क्रिप्ट में देखें तो हमें ग्यारहवां भाव की स्ट्रेंथ शनि में मिल रही है, दसवें भाव की स्क्रिप्ट हमें शनि में मिल रही है, दूसरे भाव और ग्यारहवें भाव और दसवें भाव और ग्यारहवें भाव और दूसरे भाव, इन सब की स्ट्रेंथ हमें मंगल में मिल रही है, और जबकि राहु की बात करें तो राहु में भी हमें इनकी स्ट्रेंथ दिखाई देती है। तो अब यहां पर नई नौकरी में कोई समस्या तो नहीं है, तो इनका सवाल यही था कि मैं जिस जॉब को कर रहा हूं उसको छोड़ करके मैं किसी और जॉब को करने जा रहा हूं, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो क्या मैं उसे स्वीकार कर लूं, तो यहां पर मुझे कोई समस्या तो नहीं दिखाई देगी। तो इनके बर्थ चार्ट में जैसा कि अभी आप सबने देखा कि कहीं पर कोई ऐसी समस्या नहीं दिखती है, तो यानी इनका आने वाला समय बहुत ही उज्ज्वल है, और ये अपनी नई जॉब को बड़ी ही आसानी से तरक्की के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनको जवाब यस में ही आया। अब यदि यहाँ पर इसमें थोड़ी सी चेंजेस हो जाती इसमें इन भावों के बजाय
यदि ये भाव ज़्यादा अपीयर होते अपने नक्षत्र में, सब लॉर्ड में, तो यहाँ पर यदि ऐसी स्थिति आ जाती तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता कि हमें निगेशन के हाउस फिर ज़्यादा दिखने लगते और हम इनसे यही कहते कि नहीं, आप जिस जॉब को कर रहे हैं उसी जॉब को ज़रूर करें, अदरवाइज आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना हो सकता है। तो इसलिए अपनी जॉब में बने रहें, आने जो नई जॉब है, अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है, उसके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पोजिशन अपनाएं। अब यहाँ पर जॉब के लिए क्या मेरे ये उत्तम समय है, तो दूसरा सवाल जो आता है तो ये इसमें इसी में एक सवाल बन सकता है, और एक क्या मेरा प्रमोशन हो सकता है। तो यहाँ पर यदि हम करियर की बात कर रहे हैं तो करियर में, और प्रमोशन की बात कर रहे हैं तो प्रमोशन में, यदि 10th हाउस को हम देखें तो इस स्क्रिप्ट में तो बिल्कुल भी नहीं दिखती है कि प्रमोशन हो सकती है या नहीं। और प्रमोशन से जुड़ी हुई अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो मेरी प्रमोशन की वीडियो है, उसमें ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं, तो प्रमोशन के बारे में आपको ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी उसमें। यहाँ पर हम केवल 10th हाउस की बात कर रहे हैं और प्रमोशन के लिए हमारा 10th हाउस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पर इस स्क्रिप्ट में नहीं है, लेकिन जो पहले स्क्रिप्ट थी उसमें इन तीनों ही सवालों के जवाब यस में आ रहे थे, लेकिन इस स्क्रिप्ट की बात करें तो इसमें जवाब आता है नहीं का, क्योंकि यहाँ पर समस्या ज़्यादा दिखती है अपेक्षाकृत आपकी सफलता के। तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि इससे जुड़ा कोई आपका सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में आप नीचे कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई पर्सनल सवाल है तो उसके लिए आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, और यदि आपका कोई जनरल सवाल है तो उसका जवाब कमेंट में ही आपको मिल जाएगा। तो आप सफल हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।